नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फैमिली गुरु पर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए मंदिर की सफाई, जाने क्या है वजह। दोस्तों, अपने घर में और आसपास साफ सफाई रखना हर इंसान का कर्तव्य है। धर्म शास्त्रों में भी साफ सफाई को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया गया है। किसी भी स्थान की पवित्रता को बनाए रखने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी होती है। ऐसे में जब बात मंदिर की आती है तो साफ सफाई का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि मंदिर साफ सुथरा ना हो तो वहां की जाने वाली पूजा को देवता स्वीकार नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात में या सूर्यास्त के बाद मंदिर की सफाई नहीं की जाती। हम अपने घर और मंदिरों में साफ सफाई करने के लिए झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते होंगे। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद घर या मंदिर में झाड़ू लगाने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और उस स्थान को छोड़कर चली जाती हैं। इसके अलावा रात के समय मंदिर की साफ सफाई करने से धन हानि भी हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा कि शाम के वक्त आरती के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शाम की आरती के बाद भगवान के सोने का समय हो जाता है। ऐसे में यदि भगवान के मंदिर की सफाई की जाए तो उनके आराम में विघ्न पड़ता है और उससे उनका अपमान होता है, जो व्यक्ति की समृद्धि और वैभव में कमी ला सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या काल में आरती से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। ऐसा करने से समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है, लेकिन रात के समय यदि दीप प्रज्वलित करने के बाद मंदिर की साफ सफाई की जाए तो इससे दीपक बुझ सकता है। ऐसा होने से समृद्धि में रुकावट आना निश्चित है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और तमाम रोचक कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल फैमिली गुरु। धन्यवाद।